वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज प्रिंस एंड यू वाचिंग प्रिंस मौर्य ब्लॉग। तो अभी लगभग सुबह के लगभग 8:30 बज रहे हैं और मैं यहाँ छत पे वीडियो शूट कर रहा हूँ। काफ़ी दिन बाद वीडियो शूट कर रहा हूँ। दोस्तों, कोरोना का काल ख़त्म हुआ नहीं था कि अभी यश तूफान ने हमारे यहाँ तबाही मचा करके रखी हुई है। और अभी मैं हूँ चाईबासा झारखंड में, जो कि मेरा होम टाउन है। और यहाँ बीते दिनों 2 दिन से काफ़ी बारिश हो रही थी। अभी बारिश तो रुकी है, बट बारिश रुकी है लेकिन तबाही कुछ ज़्यादा ही मच गई है। आसपास में पानी भर गया है। तो वीडियो काफ़ी दिन से आई नहीं थी, बट वीडियो ऐसे मौके पर आएगी मैं भी नहीं जानता था। और ये वीडियो मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, ऐसा कोई ब्लॉग टाइप का नहीं है। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको दिखा सकूँगा कि हमारे चाईबासा झारखंड में कितनी काफ़ी ज़्यादा बारिश होने के बाद क्या हालात हुए हैं। यश तूफान ने हमारे यहाँ काफ़ी तबाही मचा दी है। हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन जिसके घर रहे होंगे नदी के किनारे, नाला के किनारे, तो उसके हालात कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो चुके हैं। और अभी तो बारिश नहीं हो रही है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये दृश्य तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप सोच नहीं सकते कि ये हमारा नाला है, जो कि मेरे घर से थोड़े नज़दीक में है, जो कि पानी को काफ़ी भर चुका है। और ये नाला का हालात ऐसा है दोस्तों, तो नदी का हालात इससे काफ़ी ख़राब होगा। आपको नदी के हालात भी दिखाएंगे थोड़ी देर में, जब मैं नदी जाऊंगा तो आपको उसके नज़ारे भी दिखाऊंगा। तो ये कुछ ऐसा हालात हो चुका है। और ये छोटा सा घर आप देख सकते हैं, जो कि झोपड़ी है, वो भी पानी में पूरा डूब चुका है। अभी उसमें से लोग तो निकल गए हैं। उसका घर में घुसा हुआ, फर्स्ट फ्लोर तो उसका गया, मतलब ग्राउंड फ्लोर गया, ग्राउंड फ्लोर उसका गया, अंदर से पानी बाहर आ रहा है। ग्राउंड फ्लोर सबका गया, इस साइड का जितना भी है ना, सारा का ग्राउंड फ्लोर गया। गुड्डू सिंह भाई यहाँ, उसका ग्राउंड फ्लोर गया, नीचे पूरा पानी है। हाँ, उसका पार्किंग पूरा पानी है। अरे मां काले, अरे वो छोटा छोटा बनाया है ना, उससे घुस गया पानी उसका। अभी जाना ना तो देखना उसका। नहीं, मेरा चप्पल टूट गया ना, हम घर जा रहे हैं, हम उधर से आ गए। कब से? अभी तुरंत दीवार गिरा है। कौन वाला? वो दूर वाला जो खड़ा होते हैं हम लोग। अरे वीडियो बनाया है? नहीं नहीं बनाया है। बहुत दिक्कत, इधर तो पूरा डूब गया है। मंदिर घाट तो दिख ही नहीं रहा है कि मंदिर घाट है। उधर तो दिख ही नहीं रहा है। तो गाइज, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पानी कुछ ज्यादा ही भर चुका है। और ये यहाँ हमारा होता था घाट, जो कि अब घाट दिख नहीं रहा है। और देख सकते हैं यश तूफान की जो भयानक रूप है, जो कि बारिश से बहुत काफ़ी ज़्यादा दिख रही कि नदी उफान पे है। और इससे आगे हम जाना नहीं चाहते हैं, तो हम दूर से ही आपको दिखा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि पानी कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो चुका है और बारिश भी हो रही है और बाढ़ के आसार बढ़ गए हैं। चलिए, हम मैं आपको पुल की तरफ से दिखाता हूँ। और ये आप देख सकते हैं कि ये दीवार बारिश की वजह से टूट चुकी है। ओ चच्ची, कहाँ जा रहे हैं? बर्तन धोने हैं? आप देख सकते हैं गाइस, वो पुल जो है वो थोड़ा सा बचा हुआ है डूबने से। और इधर है एक हमारा पुल, जो कि ये भी डूबने के कगार पे है। आपको सामने से दिखाते हैं, बहुत सारे लोग आ चुके हैं ऐसा दृश्य देखने के लिए। बस ये बहुत ही खतरनाक है। बस सावधानी से रहो, और क्या थोड़ा सा बच्चा है, डूब जाएगा ये वाला। और ये भी तकरीबन थोड़ा सा बच्चा होगा, थोड़ा सा पूरा डूब जाएगा।
तो गाइस ये नाला है, नदी जैसा दिख रहा है, डूब जाएगा। ये वाला तो इधर है, पूरा पानी पानी हो गया। तो गाइस अभी जो आप देख रहे हैं ये है जेवियर का पुल जो कि पताहटू रोड को जोड़ता है हमारे चाईबासा से। तो ये भी डूबने की कगार पर है और शायद आज बारिश होगी ज़्यादा तेज़, तो ये शायद ही डूब जाए। तो चलिए आपको थोड़े सामने से दिखाते हैं पुल के ऊपर से कैसा दिख रहा है। तो अभी हम हैं जेवियर पुल के ऊपर और जेवियर पुल से कुछ ऐसा दिख रहा है जो कि चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा है और शायद ही पहले ऐसा कभी आया होगा। मैंने तो 20 साल से ऐसा देखा नहीं कि ऐसा कभी बारिश हो और ऐसा कुछ हो जाए। और बहुत ही भयानक रूप दिख रहा है इस नदी का जो कि रोरो नदी है, जो कि पहले ऐसा कभी था नहीं और काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए हैं देखने के लिए और सब देख रहे हैं। तो ये है रोरो रिवर का भयानक रूप, शायद ही आपने पहला ऐसे कभी देखा होगा। बारिश कुछ 2 दिनों से काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही थी और इसलिए शायद ऐसा हो गया, काफ़ी ज़्यादा तेज़ पानी आ गई है और शायद आज बारिश नहीं हो तो ये कम हो जाएगी। बट बारिश देख करके तो लग रहा है कि ये अभी कुछ दिन तक रहेगी ऐसा, लेकिन आई होप ये कम हो जाए क्योंकि पुल भी सुरक्षित रहेगी अगर बारिश तेज़ नहीं होती है, क्योंकि बाढ़ के आसार कुछ ज़्यादा ही लग रहे हैं और पानी देख करके लग रहा है कि बाढ़ कुछ काफ़ी ज़्यादा आ गया इस बार और बहुत ही भयानक रूप दिख रहा है इस बार। तो गाइस देख सकते हैं आप, ये चाईबासा का डैम है और डैम में काफ़ी पानी भर चुका है। अभी तो वहाँ जाने पर भी डर लगेगा सामने, थोड़ा सा जा कर के देखते हैं पर ज़्यादा नहीं जाने का, हमने गिर गए तो उधर ही रह जाएंगे। सोच रहा है अगर पहले देखते ना कहाँ तक दिखता, कम बहुत कम हो गया है लगभग। हाँ वहाँ पे कैंप लगा हुआ है। किसी को आने थोड़ी देगा वहाँ पर, वहाँ आने जाने देगा, तैनात करके रखा होगा। वहाँ मछुआरा लोग मछली पकड़ रहे हैं, दिखेगा अरे तो बहुत छोटा सा केकड़ा है, दिखा दिखा भाई खा गया। वादे वादे वादे। तो गाइस ये छोटा सा केकड़ा दिखा हम लोग को इस पानी में। बहुत छोटा सा है।
दोस्तों अभी तो बारिश नहीं हो रही है, बट बारिश शायद होगी क्योंकि बादल अभी तक गए नहीं हैं और अभी थोड़ी लाइटिंग दिख रही है, बट धूप होने के कोई चांस नहीं लग रहे हैं। तो शायद ही बारिश रुकेगी आज, आज थोड़ी बहुत होगी लग रहा है, बट शायद कल तक मौसम शायद साफ़ हो जाएगा और ये जो काफ़ी ज़्यादा बारिश होने के कारण शायद थोड़े कम हो जाएंगे।